खन्ना दे शहीद अग्निवीर अजय सिंह नूं लैके जो राहुल गांधी दे वल्लों बयान दिता गया सी उसदे उत्ते हुण फौज दे वल्लों भी स्पष्टीकरण जारी कर दिता गया है। तां दस्सीए कि राहुल गांधी दे वल्लों जो वीडियो जारी करके इल्जाम लगाया गया सी जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि रक्षा मंत्री ने अग्निवीर दे झूठ बोलिया अते खन्ना दे शहीद अजय सिंह दे परिवार नूं कोई पैसा नहीं दिता गया। नमस्कार, संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मिलता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। इस बयान दे उत्ते हुण फौज दे वल्लों भी स्पष्टीकरण दिता गया। तां दस दईए कि बकायदा एक ट्वीट किया गया जिस दे विच फौज ने दावा किया कि अजय कुमार दे परिवार नूं 98.39 लाख रुपए, करीब 1 करोड़ रुपए दिते गए ने। अजय दे परिवार नूं 66 लाख रुपए होर दिते जाणगे। तां फौज दे वल्लों इह वड्डे ऐलान भी कर दिते गए ने। दस दईए कि ट्वीट करके फौज दे वल्लों इस नूं लैके सारा ही स्पष्टीकरण दिता गया। उन्होंने कहा कि अजय दे परिवार नूं कुल 1.65 करोड़ यानी कि 1.65 करोड़ रुपए दिते जाणगे। अजय कुमार की महान कुरबानी नूं फौज का सन्मान है। तां दस दईए कि यह फौज दे वल्लों जो ट्वीट किया गया इस दे नाल ही फौज ने एक्स ते एक पोस्ट दे विच कहा कि अग्निवीर अजय कुमार नूं मिलण वालियां तनखाह बारे सारा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। सोशल मीडिया से कुछ पोस्टों तो पता लग्या कि अग्निवीर अजय कुमार के रिश्तेदारां नूं मुआवजा नहीं दिता गया जिन्होंने ड्यूटी दौरान अपनी जान गवाई सी। भारतीय फौज अग्निवीर अजय कुमार वालों दिती गई महान कुरबानी नूं सलाम करती है। उन्होंने अंतिम संस्कार पूरे फौजी सन्मानां नाल कीता गया सी। कुल बकाया रकम विचों अग्निवीर अजय दे परिवारां नूं पहले ही 98 लाख रुपए अदा कर चुकी है। अग्निवीर स्कीम तहत करीब 67 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया अते होर लाभां दा भुगतान पुलिस वेरीफिकेशन तो बाद जल्द ही किया जाएगा। कुल रकम लगभग 1.65 करोड़ रुपए उसनूं दिते जाणगे। तां इह फौज दे वल्लों एक्स दे उत्ते एक पोस्ट पाई गई है। दस दईए कि अग्निवीर अजय कुमार जनवरी 2024 दे विच जम्मू कश्मीर दे राजौरी इलाके दे विच एक लैंडमाइन ब्लास्ट विच शहादत दा जाम पी गए सन। हालांकि राहुल गांधी लोक सभा चोणां दे प्रचार दौरान 29 मई नूं मरहूम अजय कुमार दे परिवारक मैंबरां दे नाल दुख सांझा करन दे लई पहुंचे सन। हांजी, राहुल गांधी आए सीगे साडे घर। परिवार दे नाल खड़े आ, तुहाडे परिवार दा साथ दवांगे, ते दे भी रहे ने। उन्हां ने साडे भरा दा नाम पूरी संसद दे विच लिया, सानू बहुत माण है इस गल। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਹੀ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਦਲਾਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ
ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।